और आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात करने का समय मांगा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने समय नहीं दिया है। राघव चड्ढा ने बताया कि किस तरीके से सुनियोजित ढंग से उनके जल बोर्ड कार्यालय पर भाजपा के गुंडों ने हमला कराया और कल दक्षिणी दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायक अतिशी के घर के बाहर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने कुछ साजिश रचने की कोशिश करी है। और उन्होंने बताया कि अब आम आदमी पार्टी का यही संकल्प है कि वो दिल्ली पुलिस को भाजपा के चंगुल से बाहर निकालने के निरंतर प्रयास करेंगे। इस विषय में वो दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे किसी भी साथी विधायक को, साथी मंत्री को अगर कोई भी चोट पहुंचती है, कुछ भी उसके साथ गलत होता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। क्योंकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हमें समय नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यह नहीं लग रहा होगा कि जो विषय है ये गंभीर नहीं है। जाहिर सी बात है, वो बेहद अनुभवी अफसर हैं, उन्हें इस बात का पूरा आइडिया होगा, संज्ञान होगा कि ये बेहद गंभीर विषय है, लेकिन भाजपा के दबाव में शायद नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भाजपा की चुंगुल से छुड़वाने की लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए आने वाले कुछ समय में हम बहुत जल्द दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल से बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि पुलिस को, दिल्ली की पुलिस को संवैधानिक जिम्मेदारी उनकी क्या है उससे अवगत कराया जाए। अभी तक चाहे मुख्यमंत्री जी के घर पे अटैक हो, हाउस अरेस्ट हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी के घर पे अटैक हो, मेरे कार्यालय पे अटैक हो, इन सारे मामलों में दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हमले हुए और दिल्ली पुलिस एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह, यानी कि चुपचाप एक दर्शक की तरह पीछे खड़ी होकर ये पूरे हमले, पूरी वारदात को देखती रही, निहारती रही। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज हम पुलिस को भी उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी से अवगत करना चाहते हैं। इसके लिए हम उपराज्यपाल से बहुत जल्द समय लेकर मिलेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बड़ी जिम्मेदारी